सब्सक्राइब कीजिए कैरियर गुरु जी चैनल को और उसके बाद इस घंटी के निशान को दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलना हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की तरफ से जारी की जाने वाली वैकेंसी के बारे में। राजस्थान की तरफ से पुलिस कांस्टेबल की लगभग 13,000 से ज्यादा पोस्ट की वैकेंसी जारी कर दी गई है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि इससे राजस्थान पुलिस की वैकेंसी को कौन कौन भर सकता है, राजस्थान के स्टूडेंट्स ही भर सकते हैं या उसके आउट ऑफ स्टेट्स मतलब राजस्थान के अलावा भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसके अलावा फीस क्या है और इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, इसके साथ साथ सिलेक्शन प्रोसीजर के क्या क्या स्टेप्स रखे गए हैं, सारी चीजें हम जानेंगे डिटेल्स में इस वैकेंसी के बारे में। आपको लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलेंगे, वहां पे सब कुछ आपको लाइव बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऐसी ही वीडियो वैकेंसी से रिलेटेड देखने के लिए आप हमारे चैनल करियर गुरुजी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली के डेली वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोज अपलोड होती हैं जो आपके लिए शायद ही बहुत ही हेल्पफुल होती होंगी। तो हम आपको ले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में सब कुछ डिटेल्स में समझा के बताते हैं। तो दोस्तों ये रही राजस्थान पुलिस की तरफ से जारी की जाने वाली कांस्टेबल और ड्राइवर का फॉर्म। दोस्तों फॉर्म भरने की वाली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये वाली आप यहाँ पे आइएगा, यहीं से वैकेंसी के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं, यहीं से फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है, मान लीजिए ये मेरी कोई वीडियो चल रही है तो आप यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे इस स्थान पे, ये देखिए ये वो एक खुल गया। तो ये जो है टोटल डिस्क्रिप्शन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जो है अप्लाई ऑनलाइन करने की लिंक्स मैं सारी वीडियोज में देता हूँ, इसमें भी दिया हूँ। तो ये डिस्क्रिप्शन होता है, आप यहाँ पे क्लिक करके ऐसे देख सकते। तो ये राजस्थान की तरफ से जारी किया जाने वाला फॉर्म है। यदि फॉर्म की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे फॉर्म का जो है कांस्टेबल, जीडी, ड्राइवर और अदर पोस्ट का फॉर्म है। फॉर्म जो भरा जा रहा है 25 मई से, लास्ट डेट की रखी गई है 16 जून और फी पेमेंट करने की लास्ट डेट 16 जून ही है। कंप्लीट फॉर्म भरने की 16 जून और एडमिट कार्ड जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा। जनरल ओबीसी एमबीसी के लिए 400 रुपये फीस है, एससी एसटी के लिए 350 रुपये फीस है। यहाँ पर आपको वैकेंसी डिटेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कांस्टेबल जो है कांस्टेबल, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल बैंड, कांस्टेबल हॉर्स ड्राइवर, कांस्टेबल ऑपरेटर, कांस्टेबल डॉग स्क्वाड, तो ये अलग अलग पोस्ट की वैकेंसीज हैं। कांस्टेबल की जो पोस्ट है 11,084 और जिसमें आप देख सकते हैं जनरल एरिया के लिए, टीएसपी एरिया के लिए 862, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 743, कांस्टेबल बैंड के लिए, हॉर्स के लिए, हॉर्स ड्राइवर के लिए, ऑपरेटर के लिए, तो ये अलग अलग पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे कांस्टेबल जनरल के लिए आपको 10th पास मांगा गया है, कांस्टेबल बैंड के लिए 8th पास और हॉर्स के लिए और डॉग स्क्वाड तीनों के लिए 8th पास, कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए 12th पास पीसीएम ग्रुप से, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आपको मांगा गया है 10th पास विथ ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम इस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए अलग अलग सबके लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी दिए गए हैं, यहाँ पे हाइट और यहाँ पे चेस्ट और वेट का सब कुछ दिया गया क्राइटेरिया और रनिंग का, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। रनिंग जो है 5 किलोमीटर की रनिंग 25 मिनट में कंप्लीट करनी है और आपको रनिंग के मार्क्स काटे जाएंगे। यदि आपको कुछ मिनिमम समय में इतने कंप्लीट कर लेते हैं रनिंग तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे और यदि आप समय ज़्यादा लगाएंगे तो मार्क्स उसमें कटेंगे। अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो रही वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल्स, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो साथ एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।